कृपया दूरी बनाए रखें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कृपया दूरी बनाए रखें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आप सभी का जय लक्ष्मी व्लॉग में। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस चीज़ का वीडियो बना रहे हैं। आज हमें साफ सफाई करते वक्त हमें अपना प्रोजेक्ट मिल गया, ये है सोशल डिस्टेंसिंग मॉनिटरिंग रोबोट। दोस्तों इस मॉडल के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि 9th क्लास में मेरा सिलेक्शन हुआ था इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए। मेरा मॉडल सेलेक्ट हुआ था, वहाँ लगभग 200 से ज़्यादा प्रतिभागी आए हुए थे जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो ये 28-29 नवंबर को ये कार्यक्रम हुआ था। 2 दिवसीय कार्यक्रम था इंस्पायर अवार्ड मानक जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान से रिलेटेड सब मॉडल बना के गए थे और राज्य स्तर के लिए चयनित ससम्मान प्रदत्त स्कूल शिक्षा विभाग महासमुंद छत्तीसगढ़। तो मेरा कलेक्शन राज्य स्तर के लिए चयनित हुआ था। दोस्तों मेरा ये मॉडल है वो है सोशल डिस्टेंसिंग मोटरिंग रोबोट। इसको हम अभी जो कोरोना जो काल गए उसके चलते बनाए ताकि लोग दूरी बना के रखें और बीमारी है वो ज़्यादा लोगों में मत फैले। और अभी कोरोना जो आया था लेकिन अभी भी है, लेकिन कोरोना का जो टीका लग गया है उसके कारण अभी कंट्रोल हुआ है। तो इसके चलते बनाए हैं ताकि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी बीमारी आ जा रही है तो इसका कंट्रोल कर सकें, लोग सामान्य दूरी में रहें। जहाँ जहाँ लोग लाइन में कतार बना के खड़े होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटर हो गया, बैंक, हॉस्पिटल, यहाँ वो दिन में लाखों लोग आते जाते रहते हैं, लाइन में लगते हैं, तो वहाँ इसका उपयोग कर सकें और बीमारी है जो कम से कम लोगों में फैले करके, मतलब बीमारी कंट्रोल हो करके इसको बनाए हैं। ये 2 सेंसर लगा हुआ है, IR सेंसर, इसकी मदद से ब्लैक बटन को कवर करते हुए चलता है और ये ऐसी कवर करते हुए हम रास्ता बनाए वहाँ जाएगा और फिर आएगा। तो अगर लोग पास में खड़े हैं तो उनको एक बार अलर्ट करेगा कि आप कृपया दूरी बनाए रखें, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। अगर वो दूर हट जाते हैं तो रोबोट आगे चला जाएगा। अगर पास में है तो उनको एक बार और अलर्ट करेगा कि आप दूरी बना के रखिए। अगर वो नहीं फिर भी बात मार रहे हैं तो इनका फ़ोटो क्लिक करके इससे जो कनेक्टर जो डिवाइस है उसमें चेंज करेगा और जिससे कनेक्टर जो डिवाइस है उसमें हम ग्रुप भी बना सकते हैं, ताकि जैसे कि हॉस्पिटल में है तो वो सभी जगह पहुँचे, जैसे कि वहाँ के अधिकारी के पास पहुँचे और वहाँ जो हेड है उनके पास भी पहुँचे और सामान्य व्यक्ति भी जान सके, फिर उनको दूरी बनाने के लिए और अलर्ट करें। ऐसा करके इसको हम बनाए हैं। तो ये काम कैसा करता है वो बताते हैं हम आप लोगों को। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इसका स्विच है, तो स्टार्ट हो गया। इसको वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो ये आगे चला जाता है। ऐसा चलता जाएगा, अगर सामान्य दूरी में है और ये पास पास में है तो ये रुक गया। कृपया दूरी बनाए रखें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब इनको एक बार अलर्ट किया, अब ये हट गया तो ये आगे जाएगा। अगर ये फिर से पास में आ गए ना तो इनको अलर्ट करेगा। दूरी बनाए रखें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कृपया दूरी बनाए रखें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। देखो इन लोग, आप 2 बार इनको बोले फिर ये नहीं हटाना, तो पहले मैसेज आया, इधर पहले मैसेज आया कि आप दूरी मेंटेन करके रखें, मेंटेन नहीं हो रहा है करके, फिर उनका फ़ोटो है जो क्लिक करके सेंड हुआ, आप देख सकते हो कि वही है। तो ऐसा होता है। मैं इसमें क्या क्या लगा है उसको बता देती हूँ। इधर सब IR सेंसर लगा हुआ है, इधर भी लगा है सभी तरफ, ताकि ये ब्लैक पट्टी को कवर करते हुए चले और ये सामने कोई आ जाता है तो रुक जाए।
और यहाँ मतलब पास दूरी में रहे तो रुक जाए, और इधर भी अगर सामने कोई आ जाता है अचानक तो ये रुक जाए करके, ये सब IR सेंसर लगा हुआ है। और ये दो IC लगा हुआ है, ये बड़ा IC, ये छोटा IC, ये सिस्टम कंट्रोल करता है, और ये है छोटा IC जो मोटर कंट्रोल करता है, और इधर है कैमरा जिससे फ़ोटो क्लिक करके सेंड होता है, मैसेज आता है कि इन लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और इधर वाईफाई बोर्ड है, और इधर फ्लैश लाइट है जिससे हमें पता चलता है कि फ़ोटो क्लिक हो रहा है, ये ऑडियो बोर्ड है जिसके थ्रू आवाज़ आता है, और ये पावर बैंक लगाए हुए हैं जिससे ये चलता है चार्जिंग से, और ये दो DC मोटर लगा हुआ है इससे ये पहिया चार पहिया है वो चलता है अच्छे से, और स्पीकर जिसके थ्रू हमें आवाज़ सुनाई देता है, और ये आवाज़ है उसको हम सेट भी कर सकते हैं कि कौन सा आवाज़ निकालना है। इसमें हम सेट किए हैं कि कृपया आप दूरी बना के रखिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। डिब्बा है उसमें व्यक्ति का चित्रण करके बनाया ताकि आपको लगे कि यहाँ व्यक्ति खड़ा है जिसको हम समझा सकें, यहाँ सामान्य दूरी पे खड़ा है तो रोबोट आगे चला जाएगा, और इधर हम सेट किए हैं कि दो व्यक्ति पास पास में खड़े हैं तो उनको एक बार अलर्ट करेगा, फिर उनका फ़ोटो क्लिक करके इससे जो कनेक्टेड डिवाइसेस में सेंड करेगा। दोस्तों मेरा ये मॉडल कोरोना काल के चलते बनाए थे, तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और मेरा सिलेक्शन राज्य स्तर प्रदर्शनी के लिए हुआ था लेकिन नेशनल स्तर पर नहीं हो पाया, तो दोस्तों वहाँ भी अच्छे प्रतिभागी आए थे, सभी ने बहुत मेहनत किया था, उसका मेरे को बहुत अफसोस है कि मेरा सिलेक्शन वहाँ नहीं हो पाया, लेकिन सब्सक्राइबर भी मेरा हो नहीं रहा है, 100 पार नहीं हो रहा है। पापा बोले थे ना, मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी आपको कि 100 सब्सक्राइबर आप पूरा कीजिए ताकि मेरे को नया मोबाइल मिल सके और मैं अच्छा वीडियो बना सकें, क्योंकि हमारा मोबाइल है जो वीडियो बनाने में बहुत छोटा हो रहा है, वहाँ ज़्यादा स्टोरेज नहीं हो पा रहा है, तो कृपया करके आप 100 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए और मेरे पास नया मोबाइल आ जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।